चाकू से चार पांच बार वार पहुंचा करके रेलवे स्टेशन इटावा के आसपास जहां पर चाय पान की दुकान है टाइम खराब हो रहा है एक नीचे कर लो हमला करके एक मोनू यादव नाम के व्यक्ति के गले पर चार पांच बार वार कर लो ना उसकी मृत्यु हो गई है उस पर वार पहुंचाया। और इस संदर्भ में मुझे कहना है कि जो इसके पीछे जो पता चला है कि प्रथम दृष्टया जो अभी हमारे सभी अधिकारियों ने जो जांच किया स्पेसिटी और लाइन्स इत्यादि ने जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये आया है कि ये जो मृतक है वो इनके यहाँ जितेंद्र मौर्य के यहाँ नर्सरी पे काम करता था उसी दौरान उसके सिस्टर से उसके रिलेशन या प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई थी कुछ वर्ष पहले, डेढ़ साल के आसपास पहले इन दोनों का विवाह भी इंटरकास्ट मैरिज भी हो गया था जिसमें जो है परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे, जो मोनू यादव के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे उस शादी से और उन्होंने अभियोग भी दर्ज कराया था। और बाद में कोर्ट से ये मामला संज्ञान में आया था कि चूंकि लड़की माइनर थी तो शादी को इनवैलिड कर दिया था और उसके आधार पर फिर दोबारा इनमें आपस में कशीदगी सी बात की चल रही थी चूँकि इस लड़की की दोबारा शादी कर दी गई थी और उसी बात से दोनों में ये साला बहनोई जो कथित रूप से हैं इनमें जो एक तरीके से वार्तालाप और तमाम डिस्कशन विवाद चल रहा था इसी परिदृश्य में आज इन्होंने जो है प्लानिंग के तहत ये जितेंद्र मौर्य ने मोनू यादव को बुलाया था फ़ोन करके, उसके बाद यहाँ पर चाय की दुकान पर कुछ विवाद हुआ, उसके बाद उसको जो है चाकू से हमला करके उसकी उसकी मृत्यु हो गई है और उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुझे तत्काल प्रभाव से आवश्यक बल लगा करके यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें कठोरतम कार्रवाई, चूँकि मामला दिन में ही हत्या हुई है इसलिए इसमें कठोरतम कार्रवाई एनएसए तक की भी कार्रवाई हम लोग अमल में लाने का प्रयास करेंगे। कौन साला था इसमें? देखिए मोनू यादव जो ये उसकी बहन थी जिसकी शादी हुई थी जितेंद्र मौर्य से और आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ और उसी के यहाँ चूँकि वो काम करता था जितेंद्र मौर्य के यहाँ वो नर्सरी की दुकान है और मोनू यादव उसके यहाँ काम करता था उसी दौरान जो है उसकी बहन से उसका जो है जो भी प्रेम संबंध की इस बात संज्ञान में आई है और विवाह भी हो गया था और उसी बाद में जब उसका कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय हुआ था उसके माध्यम से जब उसकी शादी दूसरी बार कर दी गई तो उससे संतुष्ट होकर के उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये एक जितेंद्र मौर्य जो है ये मूलतः बरेली का रहने वाला, बरेली जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर बिजनेस कर रहा था और मोनू यादव जो है मूलतः यहाँ का जुगरा मऊ पड़ता है, जुगरा मऊ फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में पड़ता है, वहाँ का मूल निवासी था। ठीक है, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर जो बदलेगा आपका।